हेलो। हेलो। हाँ दोती अफनान, बहुत ही कोई बेहिस इंसान है आप। कितनी कॉल्स की, कितने मैसेजेस किए, लेकिन आपने एक का भी जवाब नहीं दिया मुझे। अरे रमशा, ऐसी बात नहीं है, मैं उस वक्त बिजी था। बिजी? हर वक्त तो आप बिजी होते हैं, आपके पास मेरे लिए कोई टाइम है भी कि नहीं? इतना गुस्सा? अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुमने कॉल काट दी। हाँ तो अगर मैंने कॉल कट कर दी तो क्या हो गया? आप मुझे दोबारा कॉल कर लेते ना। लेकिन नहीं भाई, मिस्टर अफनान का तो ईगो ही बहुत है, वो क्यों मुझे कॉल करेंगे? यार जब कोई हमारी कॉल काट दे तो इसका मतलब होता है कि वो बिजी है, और जब कोई बिजी होता है तो उसे बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो बस मैंने ये सोचा कि जब तुम फ्री हो जाओगी तो मुझे कॉल बैक कर लोगी, और इत्तेफाक से जब तुमने मुझे कॉल की तो मैं उस वक्त कहीं बाहर था इसलिए तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। अच्छा, मुझे सर आप एक बात तो बताएं, बाहर निकल के कॉल करने पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है? अरे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत प्यारी होती है, उन्हें सुनने का मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए बस सोचा कि इतनी अच्छी बातों को इतने शोर शराबे में जाया नहीं करना चाहिए, सो इसलिए कॉल नहीं सुनी। वरना तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे पास सर को जाने का भी वक्त नहीं होता। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे जाना है, और मैं आपको कॉल करूंगी। अगर आपने मेरी कॉल पे इतना की ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। ओके बाय। ठीक है, आप ऐसा करें मुझे तस्वीरें भेज दें और सारी डिटेल भेजिएगा, मैं रमशा के अब्बू को दिखा दूंगी। ठीक है चलें। अच्छा खुदा हाफिज। किसकी कॉल थी? वो रुखसाना से बात कर रही थी। कौन रुखसाना? रुखसाना वो जो रिश्ते कराती है, उसने तुम्हारे लिए ना एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। क्या हो गया अम्मी आपको, ये किन चक्रों में पड़ी हुई आप? क्या मतलब है क्या हो गया? मैंने तुम्हें बताया तो था कि तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करूं और तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दूं। मुझे लगा था कि आप पर अब्बू मजाक कर रहे होंगे। लो भाई, अब भला बताओ कि ऐसी बातें कोई मजाक में करता है क्या? हाँ? अच्छा हाँ सुनो, जरा अपनी ना दो चार बल्कि थोड़ी ज्यादा तस्वीरें ना रुखसाना के नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, और जरा अच्छी सी ढंग की अच्छे कपड़ों में करना। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें ना रुखसाना का नंबर भी सेंड कर देती हूँ भाई, अब जो उसे मुनासिब लगेगा ना वो आगे रिश्ते वालों को भेज देगी। हाँ ये, अरे ये रुखसाना का नंबर। हानिया उस वाली शॉप में चल। यार हानिया बस कर दो ना, इतनी सी देर में तुमने इतनी सी शॉपिंग की है, इतनी देर में तुम्हें पता है मैं पूरी शॉपिंग कर लेती हूँ। और वैसे भी एनी की तबीयत खराब हो गई, वो मैडम तो आई नहीं है मेरे साथ, तो मुझे अकेले जाना होगा ना घर, इसलिए तुम जरा जल्दी कर लो। अच्छा बाबा बस चल रहे हैं। तुम्हें कुछ लेना है फिर बाद में मत कहना मुझे। नहीं कुछ भी नहीं, तुम जल्दी करो ना प्लीज। फिर बाद एक मिनट हानिया, मैं आ रही हूँ। एक मिनट इधर ही रहना, मैं आ रही हूँ। अरे कहाँ जा? अफनान हेलो, आई विल कॉल यू बैक। तुम यहाँ? वाह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, शॉपिंग पे आई हो? हाँ ना, मैं अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, आपको बताया तो था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके तो बहुत काम थे ना। मैं तो वही करने के लिए आया हूँ, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। आई स्वेयर एक मीटिंग है, उसके लिए आया हूँ। तुम तब तक शॉपिंग करो ना, शॉपिंग हो गई क्या? नहीं मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी, मेरी दोस्त को शॉपिंग करनी है। इतनी शॉपिंग करी है कि दिमाग खराब कर दिया। आप इधर ही रुके, मैं दो मिनट में उसको बता के जाना। नहीं मैं आ रही हूँ, वेट करें। मेरी मीटिंग है भाई। मैं हानिया, हानिया बाब तुम एक काम करो कि तुम चली जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी घर, ठीक है? अरे लेकिन ये तो बताओ कौन है ये? वो मेरे फ्रेंड्स हैं। वाह बहुत हैंडसम है। अच्छा ठीक है, बस मैं उनके साथ चली जाऊंगी, तुम घर चली जाना और पहुंच के मुझे टेक्स्ट करना। ओके बाय, अब तो ख्याल रखना, घर पहुंच के टेक्स्ट कर देना। अल्लाह हाफिज़।
मैंने अपनी दोस्त को घर भिजवा दिया, अब हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे। भिजवा दिया? हाँ, और उसके बाद आप मुझे घर ड्रॉप करेंगे। मेरे साथ जाओ। हाँ ना? अच्छा। हाँ, लेकिन ये कितना खूबसूरत लग रहा है। पर इंसान, मुझे एक बात बताएं आप। रुक जाए, ये फोन इतना महंगा है, आपको देने की क्या जरूरत थी? आप इसको वापस रख लिया, मैं नहीं रख सकती भाई। तुम गिफ्ट वापस करोगी क्या? भाई, इट्स योर बर्थडे गिफ्ट। उस दिन तुम्हारी बर्थडे पर जब आया था तो जल्दी में कुछ खरीदा नहीं था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और वैसे भी देखो, तुम वीडियोस बनाती हो ना, इसका वीडियो रिजल्ट बहुत अच्छा है, तुम्हारे काम आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पता है, मेरा फोन इतना पुराना हो गया था, मैं सोच रही थी कि मैं बहुत जल्दी नया फोन ले लूं, और आपने मुझे गिफ्ट कर दिया। आपको कैसे पता चला? बस मुझे पता चल जाता है। बहुत अच्छा फोन है, सोचो इससे बहुत सारी टिकटॉक्स भी बनाऊंगी और सेल्फीज भी बनाया करूंगी। अरे सुनो, ये चूड़ियां तुमने कहाँ से ली? बहुत अच्छी हैं। ये तो कांच की हैं। हाँ, कांच के हैं तो क्या हुआ, अच्छी तो लग रही है ना। बड़ी बात है, कांच की चूड़ियां किसको पसंद होती हैं? आपको पसंद है वैसे? मुझे लड़कियों की कलाइयों में चूड़ियां बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारे हाथों में ना बहुत खास लग रही है। थैंक यू, अब से मैं फिर रोजाना चूड़ियां पहना करूंगी। अरे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है, तुम मेरी हर बात सुनती भी और मानती भी। लेकिन सुनो, अब देर हो गई है, क्लाइंट को एक घंटे का कहकर आया था, वापस चले। चले चल। अलीजे, रे यार, पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहा था, कहां थी तुम, क्या कर रही हो? वो कल एचआर के साथ मीटिंग है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ओह थैंक यू। ये लो। ये क्या है? इसमें मेरा दिल। बड़ा शायराना मिजाज हुआ है आज। अरे जनाब, हमें ना तो शायराना मिजाज समझ में आता है और ना ही आप, लेकिन अब आपके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। जो देखो तो सही, क्या है? कांच की चूड़ियां, ये तुम मेरे लिए लाए हो? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और तो नहीं है जिसके लिए लेकर आऊंगा। ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, पहनो, बहुत अच्छी लगेंगी तुम्हारे हाथों में। अफनान, तुम्हें पता तो है मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। अरे इसमें यहाँ पहनने में कितना वक्त लगता है, पहनो ना, इतनी दिल से लाए हो। अफनान प्लीज, इन स्टूपिड चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, तुम देख नहीं रहे मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हूँ, समझ आना भी है फिर। यानी कुछ भी उठा के ले आते हो क्या? अब नहीं करूं प्रेजेंटेशन, काम करना बंद कर दूं? अच्छा, मुझे प्लीज काम करने दो। हाँ तो ठीक है, मैंने तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ रखे। खाओगे? नहीं नहीं यार, थैंक यू, अभी दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। रमशा चलो, सर आसिम का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। अबे यार एनी, अभी तो आई हूँ लैब से, थोड़ी देर सुकून का सांस तो लेने दो यार। वैसे रमशा, तुम्हारा फियांसे बहुत हैंडसम है, हाँ नज़र उतार लेना उसकी। मैं आती हूँ। क्या आती हूँ? ओके बाय बाय। ये क्या बोल के गई है? कौन? हानिया क्या कह के गई है? कौन सा फियांसे? ओह फियांसे, वो कल मॉल में थी ना मेरे साथ हानिया, तो वहाँ पे वो अफनान मिल गया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, तो इसीलिए मैंने उसे कह दिया कि वो मेरा फियांसे है। अब इसमें गलत क्या है? वैसे सही कहा ना मैंने? तुम किससे कितने कितने झूठ बोलोगी? क्या हो गया एनी, मैंने किससे झूठ बोल दिया? अगर आज वो मेरा फियांसे नहीं है तो क्या हो गया, कल तो होगा ना। इससे भी इतना अच्छा लड़का है, मुझसे प्यार भी करता है, मुझे पसंद भी करता है। जब मैं अम्मी अब्बू को बताऊंगी ना उसके बारे में, तो अम्मी अब्बू ने इनकार करना ही नहीं है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। हाँ लेकिन जैसे मैं सोच रही हूँ बिल्कुल वैसे ही होता है। बस बात ही खत्म, किसी लव्स का कोई असर होना ही नहीं है तुम पे, तो बात ही क्यों करे बंदे ना। हाँ तो मत बोला करो ना, चुप रहा करो ना, मेरी माँ मत बना करो अर्जिता पे। चलो जाओ, जाके पढ़ो, फटाफट क्लास अटेंड करो। जब तक तुम नहीं चलोगी ना साथ, मैं भी नहीं जाऊंगी। निकम्मी,
तुम। चलो अब रमशा। What a dress! हानिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल इस तरह के मॉडर्न ड्रेसेस चल रहे हैं। और वैसे भी कितनी प्यारी लग रही हो ये ड्रेस पहन के। My God, आज तो बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी। अब देखो, ऐसी वीडियोस बनाऊंगी ना कि सब जगह वायरल हो जाएंगी। 1, 2, 3 One more. जी, ये क्या है? समोसे तुम्हारे लिए बड़े बूले कर आए थे, पर मुझे थमा गए। अब इसमें मेरा भी हिस्सा है। और मैं बता रही हूँ, मैं समोसे खाए बगैर जाऊंगी ही नहीं। हाँ होती है, हर चीज में तुम्हारा हिस्सा होता है, लेकिन लेकिन अब मुझे ये लेकर आए थे। हाँ, तुम्हें क्या लगा? इतना डर गई थी मैं तुम्हें, पता है क्यों डर गई थी? रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये देखो इन, तुम्हें पता है मैं ये ड्रेस पहन के टिकटॉक बना रही थी, एकदम से अबूजी की आवाज आई तो मैं डर गई, मैंने जल्दी से जाके चेंज कर लिया। तुम ये पहनी हुई थी? तुम ये पहन के वीडियो बनाओगी? हाँ तो दिमाग खराब है तुम्हारा? बड़े अबू के पास आ गई ना कोई वीडियो, खैर नहीं होगी तुम्हारी। पागल हो गई हो, कोई कैसे देखेगा वीडियो? अब्बू जी, शानी और चाचू तो टिकटॉक बनाते ही नहीं है, ना टिकटॉक यूज करते हैं और ना ही इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो फिर कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, टेंशन ना लिया करो ज्यादा। पर 50 जानने वाले लोग तो देखते हैं ना, किसी ना किसी तरह बड़े अब्बू के पास वीडियो चली गई तो? कितना फजूल और फालतू सोचते हो ना तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और वैसे भी हानिया ने मुझे ये ड्रेस सिर्फ एक दिन के लिए दिया। सुनना तो है नहीं तुमने, इतनी सुन लो कि मुझे समोसे खिला दो, वो ठंडे हो जाएंगे ना। ओके ठीक है, तुम ये पकड़ो, मैं जल्दी से प्लेट से करा, ठीक है? जल्दी आओ मुझे गरम खाने। ओके। में 200 व्यूज, इसका मतलब है कि एक दिन में 1000 व्यूज तो आ ही जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे व्यूज आए या ना आए, मुझे हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा, मेरा दिल बाहर आ गया। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, नहीं इतनी सी देर में इतने सारे व्यूज आए, बहुत बड़ी बात होती है ये। मुझे लगता है कि बस जल्द अज जल्द मैं फेमस होने वाली, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरी वीडियो पर मिलियंस में व्यूज हुआ करेंगे। मुझे उसी दिन का इंतजार है बस। तुम्हें तो ख्वाब में भी वीडियोस, व्यूज, फॉलोअर्स आते होंगे ना? जी नहीं, आजकल मेरे ख्वाबों में कोई और भी आने लगा है। कौन? रमशा। जी अम्मी। रमशा कहाँ से आए? ये कहाँ से मिला अम्मी आपको? ये मुझे वहीं से मिला जहां तुमने इसे रखा था। कहां से आया? बोलो। अरे ये इतना महंगा फोन है, किसने दिया है तुम्हें? बोलो,
किसने दिया तुम्हें ये मोबाइल? और तुम, तुम्हें तो मालूम होगा ना किस दोस्त ने दिया इसे तोहफा? एनी? वो बड़ी बड़ी अम्मी, वो बोलो एनी, वो अम्मी, वो हानिया, हानिया ने दिया ये गिफ्ट। बताओ ना एनी, हानिया के अबू कितने अमीर है, हानिया ने सारे दोस्तों को ये गिफ्ट किया है। अम्मी बड़ी अम्मी, मैंने ना चूल्हे पे चाय रखी थी तो वो ना गिर जाएगी, मैं देख के आती हूँ। तुम्हें किसी से इतना महंगा फोन लेने की जरूरत क्या है? उसे वापस कर देना। क्या हो गया अम्मी? मैंने मांगा थोड़ी था, उसने खुद ही गिफ्ट दिया। और वैसे भी दोस्तों के बीच में ना गिफ्ट की लेन देन अच्छी बात होती है, लेकिन तोहफा वही लेना चाहिए जिस हैसियत का तोहफा हम उसे लौटा सके। बस वापस करके आना उसे। क्या हो गया अम्मी, मैं उसे वापस दे दूंगी तो उसे बुरा लगेगा ना। मैं वापस नहीं दूंगी, मुझसे नहीं होगा ये काम अम्मी। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी दोस्त को मैं वापस कर दूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं 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 नहीं, मैं खुद दे दूंगी अम्मी। क्या हो गया, आप तो पीछे पड़ जाती हैं। दे दूंगी मैं खुद ही। शुक्र है कि बचत हो गई। और ये एनी की बच्ची, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नान, शुक्र है कि बचत हो गई। हाँ भाई एनी, अब बताओ जरा, क्या बोलने वाली थी तुम मम्मी के सामने? हाँ, कुछ भी नहीं। स्नान का नाम लेने वाली थी ना तुम मम्मी के सामने। सॉरी रमशा, मैं ना डर बहुत गई थी, मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो ऐसे भी इतना महंगा फोन अफनान ने दिया था तो मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना कि तुम मम्मी के सामने अफनान का नाम ले लेती तो मेरी शाम मत आ जानी थी एनी। I'm sorry, मुझे डर लग रहा था, मुझे लगा कि अब बड़ी अम्मी ना एक जोर का टिका ही देंगी मुझे। अच्छा, इससे पहले बड़ी अम्मी ने कब आप पे हाथ उठाया है? तो इससे पहले मैंने ऐसी कोई हरकत की भी नहीं। तुम्हारे साथ साथ रह के लगता है बड़ी अम्मी के हाथ पे चढ़ जाऊंगी किसी भी दिन में। देखो मैं सैनी, ऐसा है कि अम्मी के हाथ तो जब तुम लगोगी लगोगी, लेकिन अभी जो तुम्हारी मेरे हाथ से शामत आने वाली है ना, वो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अफगान का नाम लिया कैसे तुमने? अब तुम देखो बेटा, मेरी फिर से छुट्टियां खींची है, पढ़ने नहीं देती। क्या हो रहा है अबूजी? ये देखिए, बिला वजह इतना मार रही है ये मुझे। झूठ बोल रही है, मेरी छुट्टियां खींच के भागी है ये। क्या हो गया बेटा, क्या बचपना है ये, क्यों तंग करती हो उसे तुम? मैं तंग करती हूँ? आपको पता नहीं ये मुझे कितना तंग करती है। देखने में तो बहुत मासूम लगती है ना, लेकिन अंदर से है पूरी की पूरी जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली? अब तुझे बताती हूँ बेटा, अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जंगली बिल्ली का मतलब बताती हूँ। पागल है ये बच्चे। आई एम सो सॉरी, आज के बाद नहीं बोलूंगी। वैसे हो तो तुम जंगली बिल्ली ना, कुछ नहीं कहना, जंगली बिल्ली ना होगी। कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूं? देख के चला करो वैसे तुम। हाँ तो तुम भी देख के चलो ना। अभी गिर जाती तो चोट लग जाती तुम्हें। ये भाई को क्या हुआ? बगैर गुस्सा किए चले गए? मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा हमें बहुत डांटेंगे। तुम्हें पता है वैसे भी ये जितनी जंगली बिल्लियां होती है ना, इसी तरह डरती है। रमशा की बच्ची,
अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। अरे वापस आने में इतनी देर लगा दी, आज खैरियत? डैड बस आज मीटिंग्स कुछ ज्यादा थी, फिर एक दो काम थे तो दोस्तों की तरफ चला गया। अच्छी बात है, अच्छे दोस्तों से मिलना और काम करना भी अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा काम करना जिससे तुम्हारी सेहत पे फर्क पड़े वो अच्छा नहीं। नहीं डैड, कुछ नहीं होगा सेहत। काम काज करने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा, इतना वक्त तो देना पड़ेगा। मैं चलता हूँ डैड। अफरान जी। बेटा अगर आ ही गए हो तो आओ फिर, माजे वहां नमाज पढ़ लेते। आप डैड मैं जरूर चलता, लेकिन सारी रात का जागा हुआ हूँ, काम काज बहुत था ना, तो थकावट भी हो गई और नींद भी बहुत आ रही है। दुनियावी कामों के लिए दिन रात एक कर देते हो, हाँ ना दिन देखते हो ना रात, हल्का कर लेते हो खुद को, और जब रब का बुलावा आया तो थक गए। मैडम बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुनियावी बिजनेस का खूब पता है, खूब जानते हो। अरे यार उस रब से भी तजारत करके देखो, उसमें फायदा ही नहीं फलाह भी है। पता है अफनान, जब हम अल्लाह की राह पर चलते हैं ना तो हमें कई गुना ज्यादा अजर देता है। और याद रखना, तरक्की के रास्ते में फलाह नहीं है, फलाह के रास्ते में छोटी मोटी तरक्की जरूर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा नमाज पढ़ूं। मेरे बच्चे को हिदायत दे, उसे भी उसी फलाह के रास्ते पे लगा दे जिसे तुम्हें पसंद फरमाया। अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे। सला तो खैर मिन नौम, बेशक नमाज नींद से बेहतर। अस्सला तो खैर मिन नौम। ये ठीक तो है ना, तुम्हें क्या लग रहा है? बिल्कुल नया सेट है। एक्चुअली मेरे पास इस तरह का ऑलरेडी एक फ़ोन रखा हुआ है, वो ये तो मुझे गिफ्ट मिल गया था इसलिए मैं बेच रही हूँ। इतना सस्ता फ़ोन मिलेगा तुम्हें कहीं पे? लो चेक करो अच्छे से। चोरी का तो नहीं है ये? तुम पागल वागल हो गई हो, मैं तुम्हें चोर लगती हूँ? तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना तो ना लो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें देना ही नहीं है। अरे मैं तो वैसे ही कह रही थी, तुम तो ऐवें ही बुरा मान जाती हो। ये लो अपने पैसे और फ़ोन दो। थैंक यू, बाय। हाय हाय। पूरे 40,000 में लिए रमशा से। तुम पागल हो? मैंने क्या किया? अब इतना महंगा फोन 40,000 में बेच दिया? हाँ तो क्या करती यार रहनी? और याद नहीं अम्मी ने क्या कहा था? कह रही थी अगर ये फोन ने दोबारा देखा तो वो तोड़ देंगी। अच्छा हुआ ना कि फोन भी बिक गया, कुछ पैसे भी हाथ आ गए। और वैसे भी पैसों की अच्छी खासी जरूरत थी मुझे। मैं सोचूं कि इन पैसों से मैं एक नई वीडियो बनाती हूँ, क्या ख्याल है? तुम बिल्कुल पागल हो रमशा, बिल्कुल पागल हो, कुछ भी करती हो। खैर तुम पागल वागल हो गई हो, अपने काम से काम रखा करो। जब तुम्हारा चिड़िया जितना दिमाग है ना, इस पर ज्यादा जोर मत डाला करो, खराब हो जाएगा वरना। मेरा तो चिड़िया वाला दिमाग है ना, लेकिन तुम्हारे पता नहीं किसका दिमाग फिट हो गया है। कुछ भी नहीं देखती, बस कर देती हो, इज्जत का भी ख्याल नहीं करती। बात सुनो, ये सब कुछ जो मैं करती हूँ ना, ये सब अपनी इज्जत के लिए करती हूँ, ताकि सबके सामने ना मेरी इज्जत रहे, मेरा वकार हो थोड़ा सा। तुम ना बिल्कुल भी ना सोचा करो, यानी हमेशा फजूल और बकवास ही सोचती। देखो कितने सारे पैसे मिल गए मुझे। इमाम साहब दुआ कीजिए मेरा बच्चा राय रास्ते पर आ जाए। अल्लाह करम फरमाए, जरूर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। इमाम साहब ये अपने रफीक साहब ही थे ना? जी सही पहचाना आपने, बेचारे बहुत परेशान है। क्यों क्या हुआ भाई? एक ही बेटा है इनका, आपके अफनान के ऊपर का होगा, बुरी सोबत में पड़ गया है, और बाप अगर उसको समझाने की कोशिश करता है तो बाप से लड़ रहा है, उलझ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ आजकल का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बच्चे अपनी उम्र से पहले बालिग हो रहे हैं, बच्चों की शादियाँ जल्दी कर देनी चाहिए ताकि वो गुनाहों से बचे रहें। जानते हैं गुनाहों की लत एक दफा पड़ जाए ना किसी को, तो इससे पीछे छुड़ाना कितना मुश्किल है। बस अल्लाह सबको हिदायत दे। आमीन।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। खैर तो सलमा से पूछ ले कि मैं अपना काम कितनी ईमानदारी से करती हूँ। सलमा की मामूजाद बहन का रिश्ता भी तो मैंने ही लगाया था। माशाल्लाह से आज वो अपने घर में कितनी खुश है, ऐश कर रही है वो वहां। जी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बहुत अच्छे रिश्ते दिखाते हैं। हाँ भाई, मेरी अपनी भी बेटियां हैं, मैं ऐसे ऐरे घरों में रिश्ते नहीं लगाती, खानदानी लोगों से मिलवाती हूँ। पूरे 20 साल हो गए मुझे रिश्ते लगाते हुए, अगर किसी एक घर से भी आज तक कोई शिकायत नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे अंदाजा है, और वैसे भी सलमा पे तो मुझे पूरा भरोसा है, इसने ऐसी तो आपको यहाँ नहीं बुलाया होगा ना। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। रमशा, मैंने तुमसे कहा था ना कि रुखसाना बाजी को अपनी कुछ तस्वीरें व्हाट्सएप कर देना, अगर नंबर नहीं था तो मुझसे ले लेती ना, याद से भिजवा देना तस्वीरें। जी अच्छा, सिर्फ अपनी तस्वीरें मत सेंड करना, अपनी तस्वीर के साथ पूरी डिटेल भी सेंड करना। जी तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है, बकवास अपनी बंद कर लो वरना मुंह तोड़ दो। ये भी तुम्हारा सही कह रही हूँ, देख लो डिटेल मांग रही पीटी। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। रिश्ते वाली खाले ने मेरा माइंड इतना डाइवर्ट कर दिया कि मेरे टिकटॉक्स भी नहीं बन रहे हैं। इस रिश्ते का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो गेम नहीं बनेगी। आज तुम दोनों साथ साथ? हाँ वो अम्मी मैंने ही फोन करके अफनान को बोला था कि मुझे पिक करते हुए घर आ जाए। चलो अच्छी बात है, आओ बैठो चाय पियो हमारे साथ। अरे नहीं पप्पू, मैं तो बहुत थक गया हूँ। तो ये इतना बोलती है ना कि आधा दिमाग तो यही खा जाती है। मैं जाऊँगा चेंज वेंज करूंगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। मामा आप लोग चाय पिए, हम लोग साथ पी लेंगे। सही, That's a great idea. हाँ, चलो तुम बनाओगी चाय? सही है, बना दूंगी। हाँ, चलो। लेकिन बहुत बुरी बनाती हो तुम चाय। प्लीज यार खाना बनाना आता ही नहीं है ना। अरे खाना नहीं चाय की बात कर रहा हूँ, खाना तो मैं बना लेता हूँ। तुम्हें खाना बनाना आता है इसलिए मैं? अरे और नहीं तो क्या। लो भाईजान आपकी चाय ठंडी हो रही है। क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोचा था कि जब दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्यों इनकी शादी कर दी जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। तो ऐसा करो अलीजे से बात कर लो, फिर हम इन दोनों का निकाह करवा देते हैं। निकाह इतना अचानक? तो क्या हो गया अफशीम, अलीजे को रुख्सत होकर इसी घर में आना है, जितनी जल्दी निकाह हो जाए उतना ही बेहतर है।
इतनी जल्दी भाई साहब कैसे निकाह हो सकता है? आप तो जानते हैं कि शादी की तैयारियां होती हैं, और फिर खैर से हमारे घर की ये पहली शादी होगी। मेरे तो बहुत सारे अरमान हैं जो मैं शादी में निकालूंगी। दरअसल भाईजान, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस बारे में आपसे बात करूं। हम दोनों की एंगेजमेंट करा देते हैं ना, खानदान वालों को वैसे भी पता चल जाएगा कि हमने दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है। अब सिंह, जो एंगेजमेंट और मंगनी है ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा था कि निकाह। भाईजान, निकाह भी हो ही जाएगा, पहले शादी की तैयारियां तो कर लें। आप अफनान से बात करें ना, फिर हम मंगनी की डेट भी रख लेते हैं। भाईजान, चाय पिए ना। पीता हूँ। तस्वीरें भिजवा दी थी उन्हें? नहीं, और ना ही भिजवाऊंगी, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। और क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें अभी? जब कह दी अम्मी की शादी नहीं करनी, तो इसका मतलब है कि शादी नहीं करनी। हर चीज की वजह मत पूछा करें भाई आप। देखो बेटा, अब लड़कियों की ना शादी की उम्र होती है। हाँ, हमारे बो चाहते हैं कि तुम्हारा जल्द से जल्द अच्छा सा रिश्ता देख के ना शादी कर दी जाए। क्या हो गया आपको? मैं कोई बूढ़ी हो गई हूँ जो मेरी उम्र निकल गई है शादी की? ये बात नहीं है बेटा, बेटियों के माँ बाप को उनकी फिक्र रहती है, बस वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके फर्ज से सुबुकदोश हो जाए और चैन सुकून की जिंदगी गुजारे। प्लीज समझने की कोशिश करें, मैंने एक दफा कह दिया कि जब शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी ना, क्यों पीछे पड़ गई आप? और रही बात अब्बू जी की, तो उन्हें मैं खुद समझा लूं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अपने अब्बू से शादी की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? लो भाई, अब इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? बोल दूंगी कि शादी नहीं करनी कोई गलत बात थोड़ी है, हक और सच की बात है ये बिल्कुल। तुम अपने अब्बू से ऐसी कोई बात नहीं करोगी। बेस्ट हो गया ये तो, फिर ठीक है आप मान जाए, और अब्बू जी को भी आप बना लीजिएगा। और अम्मी, मैं कौन सा ये कह रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, बस कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ सालों के लिए ना, आप इस टॉपिक को निकाल के घर से बाहर फेंक। और रही बात शादी की, तो मुझे जब शादी करनी होगी तो मैं आप लोगों को खुद बता दूंगी। क्या 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 कहा तुमने? हाँ, तुम अपने अब्बू से अपनी शादी की बात खुद करोगी और उन्हें ये बताओगी कि तुम्हें कब शादी करनी है? शर्म नहीं आएगी तुम्हें ये बात करते हुए? इसमें शर्म वाली क्या बात है, मेरी शादी है ना, तो मैं ही बताऊंगी। शमशा, देखो बेटा, लड़कियों की शादी की ना उम्र होती है, और अगर वो उम्र गुजर जाए ना, तो फिर अच्छे रिश्ते आना मुहाल हो जाते हैं, और अगर सही वक्त में शादी हो जाए तो माँ बाप को भी सुकून मिल जाता है। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपका दिमाग ना पुराने जमाने के ख्यालात की तरह हो, अभी रिश्ते भी बहुत हैं और उम्र भी बहुत पड़ी है। हुँ? मैं खुद ही कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ, परेशान ना हो। हे अल्लाह, कहाँ रह गया चौनी? हमारा नाश्ता खत्म हो गया, आया तक नहीं अभी। आ रहे हैं। सलाम चाय लाओ भाई। जी जी लाए। बात सुनो, आज तुमने जरा दुकान पे जल्दी चले जाना, क्योंकि तुम्हारे बड़े अबू और मेरे जरूरी काम से जाना है, क्या समझे? जी ठीक है। भाभी, वो आपने खाला को रमशा की तस्वीरें दे दी थी? हाँ, मैंने इसकी 2-3 तस्वीरें उन्हें व्हाट्सएप कर दी है। खाला से कहना है कि लड़का खानदानी होना चाहिए और जॉब भी अच्छी हो, बल्कि कारोबार हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी कह दूंगी। अबू जी, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है।
कहो। एक्चुअली वो मैं अभी अरे क्या है, ये तो कभी भी कुछ भी बोल देती है। अब बताए आपको, कह रही है कि यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, छुट्टियां करेगी। अरे कुछ समझाए इसे, क्यों करेगी छुट्टियां यूनिवर्सिटी से? ठीक तो कह रही है तुम्हारी अम्मा, क्या करोगी छुट्टी करके? हाँ बात सही है। वालेकुम अस्सलाम। एनी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, आना हुआ तो आ जाना मेरे पीछे। भाईजान हम भी चले, देर हो रही। हाँ बस चाय खत्म करो। आपको गरम गरम चाय वहां पिलाऊंगा। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अमीर रमशा की शादी हो रही है। अभी तो सिर्फ रिश्ता देख रहे हैं, दुआ करो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नसी ठीक हूँ, खा मैं लेता हूँ।